तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो ऐसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में तो पढ़ ही लिया होगा कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। अपने भाई उसने इतना ग्राइंड कर रखा है ना, मुझे बता रहा था, तो मैंने कहा कि यार तू अपने वर्ल्ड में बुला मुझे, तो वैसे ही हम उसके वर्ल्ड में जाएंगे। तो समझ ही रहे हो क्या करना है हमें। तो अब हम सीधा मिलते हैं उसके वर्ल्ड में, एंटर होते हुए माइनक्राफ्ट में चलते हैं अब हम। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो कि अब हम माइनक्राफ्ट में तो आ गए हैं। तो वो मुझे बुलाता तो है नहीं, लेकिन मैं ज़बरदस्ती उसके वर्ल्ड में घुसने की ट्राई करता हूँ। तो फिर मैं अब उसके वर्ल्ड में ज़बरदस्ती घुसता हूँ, और फिर उसका भाई क्यों ही मस्त घर रहता है, जरा आप देखना वीडियो में। तो मैं बस अब उसके वर्ल्ड में ज्वाइन ही होने वाला रहता हूँ। ये हो गाइस, मैं ज्वाइन हो गया। वैसे तो वो अपने स्पॉन पॉइंट के पास ही घर बनाता है, जरा मैं देखता हूँ कहाँ। ओ भाई, वो रहा सामने, देख रहे हो भाई घर कितना मस्त भाई घर बना रखा है। जरा हम भी जरा देखते हैं कैसा घर है। अरे पार्कोर गॉड है तेरा भाई, चलो देखते हैं। ये भाई सिक्योरिटी गार्ड देखा आपने, कितना खतरनाक है ये भाई। डायमंड के आर्मर में भाई, इतना जल्दी डायमंड के आर्मर में कैसे कवर हो गया हो? जरा भाई पूछता हूँ, भाई कब से खेल रहे हो, कितने कितना दिन हुआ ऐसे, जरा मैं पूछता हूँ। ये मैंने मैसेज करा, अब जरा वो रिप्लाई करेगा कि कितना हुआ, बता जल्दी बता, टाइम पास क्या कर रहा है, झूठ मत बताइए, सच सच बता दिए। 1 वीक भाई, झूठ कह रहा है, मुझे तो लग रहा है भाई झूठ कह रहे हो। देखो इस चेस्ट में भी ज़्यादा सामान तो है नहीं, इतना इसने अपने बॉडी पे लगा लिया ना सामान, उतना तो गाइस इसने चेस्ट में लगाया ही नहीं। तब मैं गाइस इसका चेस्ट देख रहा था तो मुझे अचानक डायमंड था, डायमंड। यार मुझे डायमंड तो मिलता है, लेकिन मैं पता नहीं यार क्या होता है, गलती से इसे डायमंड वापस ही कर देता हूँ, और ये दोबारा देता नहीं। तो क्या नाचोगे? तो अब मुझे कुछ आयरन देता है, तो मैं सोचता हूँ चलो इसी का कुछ आर्मर बना लेता हूँ, टूल वूल बना लेता हूँ। यार अब तो ये देने वाला नहीं डायमंड, तो मैं जाता हूँ बाहर से थोड़ा कुछ ऑक्स का वो तोड़ लेता हूँ, जाके मैं थोड़ा आयरन में कवर होने के बाद आपसे मिलता हूँ दोबारा। तो मैंने अपने वुड का प्लैंक तो बना लिया है, तो मैं सोचता हूँ जाके घर के अंदर वाले क्राफ्टिंग टेबल यूज़ करने के लिए। तो मैं अब जाता हूँ यहाँ पे, यहाँ मैं क्राफ्टिंग टेबल ज़रा चेस्ट प्लेट्स बूट्स बना लेता हूँ ज़रा। मैं थोड़ा सोचता हूँ चलो आर्मर भी बना लेता हूँ। आ गया मेरा वो, अच्छा आर्मर से सॉरी टूल्स सोचता हूँ मैं ज़रा बना लेता हूँ अपना, कुछ स्टिक्स बना के फिर टूल्स बना के फिर आपसे ज़रा मिलता हूँ दोबारा। तो गाइज मुझे इसने अभी अपना डायमंड थोड़ा दे दिया, जिसके लिए मैंने थोड़ा टूल्स बना लिया। अब मैं ज़रा अपना वाटर बकेट में ज़रा वाटर भरने जा रहा हूँ। ये क्या मैसेज कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या हाल है तेरा भाई, हाल चाल पूछ रहा है मेरे से। ज़रा मैं बता देता हूँ इसे कि भाई बस ठीक है। मैं इससे ज़रा ये बोलता हूँ कि भाई कहाँ से तू ये माल लेके आता है, ज़रा बता दे मुझे। ये मैसेज करता हूँ भाई, कुछ रिप्लाई करता ही नहीं इसका, तो बस चुप हो जाता है, टिप टिप हो जाता है, कुछ बोलता ही नहीं हो भाई, माइंड के बारे में नहीं बताता ये अपने। तो मैं अब निकलता हूँ, कुछ चाहिए तो बता दिए, बहुत अमीर हूँ मैं। देखो भाई क्या मैसेज कर रहा है मुझे, कुछ चाहिए तो बता दिए, मैं बहुत अमीर हूँ, रुक जा अभी तेरा सारा अमीरीपन निकालूंगा मैं थोड़ी देर में, इसका सीक्रेट बेस तो दिखे मुझे। तो गाइस वैसे तो मैंने हाँ वहाँ पे एक ट्रैप डोर देखा था इसके घर के अंदर, अब जरा कहीं जाएगा ना तो मैं बस बैठाता हूँ इसका काम जरा, ये बस घर से बाहर तो निकले भाई, निकल रहा है, जा रहा है कहीं पे यार, मैं जैसे पूछता हूँ कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, जरा पूछता हूँ इससे भाई बता जरा कहाँ जा रहा है। बताना जल्दी, टाइम पास क्या कर रहा है यार, सर दर्द कर रहा है, बता रहा नहीं कहाँ जा रहा है। अरे लड़ने के लिए तैयार है, लड़ेगा बेटा, शील्ड ले रखा हूँ, भले ही तो डायमंड का आर्मर में कवर हो, यहीं पे पेल दूंगा तेरे को मैं। तो अब मैं इसके मैसेज का इंतज़ार कर रहा था, अचानक आता है घूमने, भाई घूमने जा रहा है इतने रात में,
मैं तो सोचता हूँ चल जा बैठे जा, तो जॉम्बी खा जाए वही बढ़िया है। अब भाई मैं ज़्यादा उसके घर पे काम करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई ट्रैप डोर दिखा था मुझे, ये देखो ये वही ट्रैप डोर है। देखो भाई इसके जरा जाता हूँ मैं, क्या है भाई जरा देखते हैं। ओ भाई बस अब मैं चोरी करके बस निकलने लग जाता हूँ सामान, बाहर मिलता हूँ सीधा मैं आपसे चोरी करने के बाद। चोरी करके बाहर तो आ जाता हूँ, इसके सारे चेस्ट खोल लेता हूँ भाई, कुछ तो मिलता नहीं। और देखो भाई ये भी आ रहा है घर पे। अब भाई मैं कहाँ भागूँ, तो मैं सोचता हूँ चलो अभी 7-Eleven कर ही लूँ जरा मैं। अब यार 7-Eleven करना पड़ेगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बस नेदरराइट का आर्मर है, उसके बाद खराब डायमंड का आर्मर ही है भाई, लेकिन इसके पास नेदरराइट का वो नहीं था बूट, तो मैंने कहा कोई बात नहीं अभी मैं इसको है ना इसी से मार दूँगा। बस मैं अपने सामान वामान सही से लगा लूँ, अब मैं सीधा बाहर निकलूँगा और इसको पप्पू पेलू बना दूँगा मार मार के भाई, इतना मारूँगा ये तुम्हारा भाई भाई इतने पिट्टी लगा देगा भाई, समझ नहीं रहे हो आप। बस अब मैं निकल जाता हूँ बाहर इसे लड़ने के लिए, मैं इसे कहता हूँ बराबरी की लड़ाई होनी चाहिए, इसे मैं ज़रा वो भी दे देता हूँ आर्मर सॉरी शील्ड और वो वाटर बकेट। अब देखो गाइस इसको तो मैं दौड़ा दौड़ा के मारूँगा, आप भी देखना भाई इस स्वॉर्ड में फायर एस्पेक्ट लगा रहा था भाई, जिससे उसको सबसे ज़्यादा डैमेज मिलता है। ये देखो भाई एक स्वॉर्ड मारा मैं, उसकी तो हालत पंचर होगी, तो मैं इसे कहता हूँ जा बैठे पहले सब कुछ सामान वामान लिया अपने लिए। तो गाइस अब मैंने इसको सब कुछ दे दिया, वाटर बकेट शील्ड वील्ड सब कुछ, तो अब इससे मैं ज़रा पीवीपी करना चालू कर देता हूँ। ये ले भाई पहला अटैक भाई, एक एक अटैक में तो उसकी हालत पंचर हो जा रही है, तो मैं कह रहा हूँ चल ले बुझा ले अपनी आग, बुझा ले तू जिंदगी, ले जी ले जिंदगी भाई, ऐसे ऐसे डायलॉग मारता हूँ तेरे वजह लेता हूँ, कहता हूँ तो आर लेके दिखा दे ज़्यादा, मैं तो पावर है तो लेके दिखा दे। अब भाई इससे तो भाई लड़ाई करता रहता हूँ। ये ले एक और रैप्टा, चल निकल यहाँ से, इसको तो गाइज मैं मार ही दूंगा, मार दूँ कमेंट में लिख देना गाइज मेरा छोटा भाई ओपी, क्योंकि इसकी वजह से ही मेरे पास अभी तरह कुछ हो रखा है, मैंने तो खाली चोरी कराई है। ले भाई एक और दिया भाई, ख़त्म भाई सारा माल उठला, डायमंड का ब्लॉक ब्लॉक भाई क्या क्या चीज़ ले रखा है यार। तो देखो भाई अब तो भाई ने इसको मार दिया, अब चलो मिलते हैं हमें इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। आपको ऐसा ही मेरे भाई के साथ वीडियोस किए तो प्लीज़ कमेंट में बताना। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब मैं यहाँ से बहुत दूर भाग जाऊँगा, उसके हाथ तो कभी आऊँगा ही नहीं, तो अब बाय बाय। खा मखा चला चला उड़ बढ़ता गया, तुम्हारी राम साथ सांस लेता गया।